कभी नहीं हुआ, और जो जोश और खरोश आपने दिखाया। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये आपके पास आई है आज, एक कश्मीरी खातून आपके पास आई है, आपकी बहन आई, आपकी बेटी आई, किसकी माँ है ये, आपके पास आई है, आपसे इजहार हमदर्दी, इजहार मोहब्बत करने के लिए अपने वतन में आई है, हर जगह नहीं आई है। जो हक इसका है ना, वो पीपल्स पार्टी का है ना पीटीआई का, इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसकी लाज रखनी है। मेरी कोई बात नहीं, को छोड़ दें, इस बच्ची की लाज रखनी, इस बेटी की, इस बहन की, इस मां की। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसको लाया क्यों मैंने इधर, इसको क्यों लाया, ये क्यों आई रास्ते में कहती रही मुझे, ये मुझे मेरी बेटी मरियम मुझे कह रही थी कि अंकल मैं आई हूँ, मैं लोगों को देखना चाहती हूँ इस वादी में दुश्मन की तोपों के नीचे ये लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इस दुश्मन की फायरिंग में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, ये देख रहे आई हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से, कि आप ये सीज़फ़ायर लाइन बरकरार रखना चाहते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो फिर आपको मियां नवाज शरीफ को वोट देना पड़ेगा, मियां नवाज शरीफ को। हम सारे का सारा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये बुजदिल आदमी आजाद इलाका में रास्ते में दिखाता है उसको, ये इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनको मैं कहना चाहता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों का कसम न करें,
उनको आजादी से अपना वोट डाल दें। मैं अपनी माओ बहनों बेटी को कहता हूँ, आपकी आवाज ये मरियम नवाज है, आपकी आवाज ये मरियम नवाज है, आपकी अपनी बेटियों की आपकी आवाज ये मरियम नवाज है। हाँ तुम्हारी इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने 5 साल में मजदूर बनकर आपकी खिदमत की है, मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि मेरा हक लीक हक फायक है दूसरी और के मुकाबले में, ये मैं दावे से ये बात कहता हूँ। और यही इसी बुनियाद पर मैं मियाँ नवाज शरीफ के मिशन की तकबीर, अल्लाह पाक की कसम है, वो मुजफ्फराबाद आया वो शख्स, जब वो जा रहे थे बाहर अंदर हमने एक वीडियो दिखाई, माहौल गवार हो गया, मियाँ नवाज शरीफ की आंखों में भी आंसू थे, हम सब की आंखों में आंसू थे। उसने कहा मुझे कि राजा साहब वो मुझे बताओ कि मैंने क्या कहना है जाकर इकवाम मुतहदा में, मैंने जनरल असेंबली की तकरीर में क्या बात कर दी, और जो बातें आपने बताई सारी बातें बताई उसकी। मरियम बीबी मैं आपको कहना चाहता हूँ, कश्मीरियों की कुर्बानियों का सौदा ना होना देना, ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी जिम्मेदारी है मेरी बेटी। 10,000 मेरी माओ बहनों की किस्मतें लुटी है, 11,000 औरतें जो है वो बेवा है, 1.25 लाख लोग इस पे शहीद हुए, 2.25 लाख पहले 1947 में हुए, आपने इनकी हिफाजत करनी है, आपने कश्मीरियों की हिफाजत करनी है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत हिफाजत करनी है, आप हमारी आप कश्मीर की आवाज बनकर सारे पाकिस्तान को जाकर बताएंगे इस इलेक्शन के बाद कि आपने आजाद कश्मीर में क्या देखा, नवाज शरीफ के साथ क्या मोहब्बत देखी, पाकिस्तान के साथ क्या मोहब्बत देखी आपने। अब मैं कुछ नारे लगाऊंगा आखिर में, हाँ मैं अपनी मसल्ला फाज को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ इसी फाज लाइन पर, मैं उनको उन जवानों को उनको उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्यों और ये मेरी बात याद रखना, मरी बेबी यहाँ का बच्चा बच्चा दुश्मन ने अगर यहाँ पहली नजर से देखा, यहाँ का बच्चा बच्चा उस पर क्या मतलब टूटेगा इंशाल्लाह, हम दुश्मन का सारा जो है दुश्मन का हम दुश्मन का सारा गुरूर जो है वो खाक में बना देंगे। अब भाई गड़बड़ ना करो आराम से, अब मैं कुछ नारे लगाऊंगा, आपने उसका जवाब देना है, आपने नारू का जवाब देना है, नारा तकबीर, नहीं नहीं इस बार लाइन से परे जानी चाहिए, नारा तकबीर इस्लाम, क्या हुआ इसको यार, ये हेलो क्या हुआ भाई।